मनीष कश्यप के समर्थकों, साथ ही साथ उनके परिवार वालों, उनके चाहने वालों के लिए जो है एक बड़ी खबर है, एक तरीका से एक बड़ी खुशखबरी है, जिसको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। आपको पता होगा कि मनीष कश्यप जो है जैसे बिहार में अपना गिरफ्तारी देते हैं, गिरफ्तारी देने के बाद जो है एक तरीके से सोशल मीडिया में जो है उनके फैन जो है काफी बढ़ चढ़ के जो है उनके सपोर्ट में वीडियो बनाना शुरू कर दिए, और अभी भी जो है उनके सपोर्ट में काफी सारे लोग दिखाई देते हैं। हालांकि कुछ लोग हैं जो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ भी रहते हैं। जैसे मनीष कश्यप का मामला जो है बिहार से मतलब एक तरीका से तमिलनाडु जाता है, तमिलनाडु में जो है कुछ दिन उनको रखा जाता है, उसके बाद जो है उनके ऊपर एनएसए लगा दिया जाता है, और एनएसए के तहत जो है उनको एक तरीके से गिरफ्तार करके जो है तमिलनाडु के जेल में डाल दिया जाता है। इसके बाद मामला जो है कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में जाता है। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो शुरुआती में वहां से जो रिस्पॉन्स आता है उस पर ऐसा बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट जो है एनएसए सुनकर के चौंक गया था। तो सभी लोग जो है कहीं ना कहीं पॉजिटिव सोच रहे थे कि हो सकता है कि मनीष कश्यप के पक्ष में जो है अब फैसला आएगा, यानी मनीष कश्यप के ऊपर से जो है एनएसए हटेगा, और साथ ही साथ जो केस क्लबिंग का मामला था कि सभी केस को बिहार में एक जगह जो है क्लब कर दिया जाए, इस पे भी पॉजिटिव रिस्पांस आएगा ऐसा मनीष कश्यप के समर्थकों साथ ही साथ उनके परिवार वालों का उम्मीद था। मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में डे बाय डे बढ़ते चला गया, उसमें आगे डेट भी दिया गया, और फाइनली जब 8 मई को लोगों को जो है काफी ज्यादा उम्मीद था कि इस दिन जो है मनीष कश्यप के ऊपर से जो है एनएसए हट सकता है और साथ ही साथ जो है केस क्लबिंग का मामला भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन उस दिन क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसा बोला गया कि इस मामले की सुनवाई हम अभी नहीं कर सकते हैं, आप जाइए पहले हाई कोर्ट में देखिए, हाई कोर्ट के बाद जो है हम इस पे विचार करेंगे, हम इस पे सोचेंगे। इसके बाद जो है कहीं ना कहीं जो भी मनीष कश्यप के समर्थक है, मनीष कश्यप के जो भी परिवार वाले हैं, मनीष कश्यप के जो भी चाहने वाले हैं, वे लोग में जो है काफी बड़ी जो है एक तरीके से नाराजगी आ गई। अब उनको लगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिला, अब हाई कोर्ट में मामला कब तक जाएगा, इसका कोई ठौर ठिकाना नहीं है। इसके कुछ दिनों के बाद सोशल मीडिया पे जो है कहीं ना कहीं एक पोस्ट जो है वायरल होने लगता है, जो कहीं ना कहीं आप भी देखिएगा। उस पोस्ट में ऐसा बताया गया था कि तमिलनाडु के जो राज्यपाल है मनीष कश्यप के ऊपर लगे एनएसए के ऊपर जो है मोहर लगा चुके हैं, यानी मनीष कश्यप जो है अगले 11 महीने तक जो है जेल रहेंगे, चूंकि एक महीना जो है एनएसए के तहत मनीष कश्यप जेल में बिता चुके हैं, और ये खबर जो है काफी तेजी से फैलता है, और कहीं ना कहीं जो है मनीष कश्यप के जो भी समर्थक है, मनीष कश्यप के जो भी परिवार वाले हैं, मनीष कश्यप को जो भी चाहने वाले हैं, उन लोगों के लिए जो है कहीं ना कहीं निराशजनक खबर बन जाता है, और लोग जो है इससे काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, लोग कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे जो है एग्रेसिव पोस्ट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अभी हाल में जो है यानी कल ही जो है शुक्रवार यानी कि 12 मई 2023 को जो है तमिलनाडु के राज्य भवन से एक अपडेट आता है, वहां के राज्यपाल जो है ऐसा बताते हैं कि यहाँ पे जो है ऐसा कोई भी अपडेट नहीं है, यानी तमिलनाडु के राज्यपाल जो है मनीष कश्यप के ऊपर लगे हुए एनएसए के ऊपर अभी तक कोई विचार नहीं किए हैं, कोई उस पर मुहर नहीं लगाए, फेक खबर को जो है कहीं ना कहीं अपडेट किया जा रहा है, कहीं ना कहीं फैलाया जा रहा है, और इसके कारण जो है मनीष कश्यप के समर्थक जो है कहीं ना कहीं गुस्सा में थे। तो कुल मिलाकर के ऐसा समझ लीजिए कि तमिलनाडु से जो खबर चल रहा था कि मनीष कश्यप के ऊपर लगे हुए एनएसए को जो है तमिलनाडु के राज्यपाल ने जो है उस पर मुहर लगा दिया, मनीष कश्यप जो है अगले 11 महीना तक जो है तमिलनाडु के जेल में रहेंगे एनएसए के तहत, ये खबर जो है पूरा का पूरा फेक साबित होता है, पूरा का पूरा गलत है। तो कहीं ना कहीं जो है ये खबर मनीष कश्यप के परिवार वालों, मनीष कश्यप के चाहने वालों, साथ ही साथ मनीष कश्यप के जो है समर्थकों के लिए जो है खुशखबरी है। आगे क्या होता है एनएसए पे, आगे जो है मामला कहीं ना कहीं अब हाईकोर्ट में जाएगा, हाईकोर्ट में जाने के बाद क्या हाईकोर्ट मनीष कश्यप के ऊपर लगे हुए एनएसए को हटाता है या फिर जो है उसको मतलब बनाए रखता है, देखने वाली बात होगी। बाकी आप मनीष कश्यप को लेकर के क्या सोचते हैं कि क्या उनके ऊपर जो एनएसए लगा सही है या गलत है, कॉमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।